हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमेशा अच्छे रहें और ऐसे ही हम भी अपना पैर बनाए रखें। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं द रियल टेस्ट, आपका स्वागत है आज के फ्रेश न्यू एपिसोड में। तो दोस्तों, आपको पहले ही पता लग गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है थंबनेल और टाइटल देख के। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हल्दीराम मठरी। तो देख सकते हैं हल्दीराम मठरी लेके आए हैं आज आपके लिए। पूरी बात करेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है, पैकेट कंटेंट क्या है, कैसा कुछ है, यही सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, MRP क्या है, सब बात करेंगे। वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना जानने के लिए कि कैसा कुछ है। तो दोस्तों, पहले पैकेट की बात कर लेते हैं इसके। जैसे हल्दीराम समोसे की हमने पैकिंग की थी अपने चैनल पे, वो आप देख सकते हैं, उसी की तरह पैकिंग ऐसी पन्नी वाली बिल्कुल नॉर्मल सी पैकिंग है। ऊपर देख सकते हैं हल्दीराम की ब्रांडिंग है, मठरी लिखा हुआ है नीचे और नेट वेट 200 ग्राम। पूरे फ्रंट प्रोफाइल दिखाता हूँ आपको कैसा है कुछ। ऐसा कुछ है, देख सकते हैं कैसा। अब बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पिकल इनसाइड, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें यहाँ पे, और यहाँ पे हमें ग्रीन्स वगैरह दिए हुए हैं मठरी के कि क्या क्या कुछ है। चिली पाउडर, रिफाइंड व्हीट फ्लार, एडिबल वेजिटेबल ऑयल, तो सारा आप इसको आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, इसे पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो दिया हुआ है हमें मिक्स्ड वेज पिकल इंग्रेडिएंट्स, तो यहाँ पे पिकल्स के यहाँ पूरे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं अचार के अंदर क्या क्या है। एलर्जन इन्फॉर्मेशन दिए कि इसके अंदर ग्लूटेन है। कंज्यूमर सर्विस इंक्वायरी के लिए दे रखा है। और इधर देखेंगे तो इसका जो नेटवेट है 200 ग्राम है, इसकी MRP दी हुई है 45 रुपीज़, इसकी मैनुफैक्चरिंग डेट दी हुई है बेस्ट बिफोर 5 मंथ्स फ्रॉम मैनुफैक्चरिंग है, तो मतलब ज़्यादा कुछ लंबा नहीं चलता है, 5 ही महीने बस इसकी मैनुफैक्चर। और यहाँ पे लिखा हुआ है पैकेज्ड इन अ प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर, हल्दीराम का लोगो है, स्नैक फूड एसोसिएशन USA का लोगो है कि मेंबर हैं हल्दीराम वाले उसके, और ये कीप योर सिटी क्लीन और सुटेबल फॉर वेजिटेरियन, एक बार कोड मिलता है। बस इतना ही कुछ है, बड़ी बेसिक सी पैकिंग है, आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा मिलता है। तो अब काफ़ी देर हो चुकी है, पैकेट के हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्या क्या लिखा हुआ मिलता है, और अब बगैर टाइम वेस्ट किए आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। मैं खोल लेता हूँ फटाफट। तो दोस्तों, एक खुलने जा रहा है, ये मैंने खोल दिया है, देख सकते हैं तो ये खुल चुका है। ये देख सकते हैं इसके अंदर सबसे पहले चीज़ मिक्स्ड वेज पिकल अचार निकला है। ठीक है, ये देख सकते हैं, अगर इस पर MRP दी हुई हो तो इसकी MRP दी हुई है साथ में हमें इस पर अलग से 3 रुपये, देख सकते हैं आप लोग 3 रुपये। इसकी स्मेल भी है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, स्मेल आने लग गई है पैकेट से बाहर निकलते ही। ठीक है भाई, ये अचार मिला है हमें सबसे पहली चीज़, अचार को मैंने इसमें साइड में रख देता हूँ, और मठरी देख लेते हैं कितनी निकलती है, 21 मटरी निकली है इसमें से। ठीक है, और थोड़ा बहुत इसे मान लो 22 मान लो, और थोड़ा चूरा निकला है देख लो। ठीक है भाई, अबे पैकेट में कुछ नहीं बचा, देख लो भाई, पैकेट पूरा खाली हो चुका है। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, तो भाई अब इतना ही कुछ मिलता है हमें। मैं पिकल आपको खोल के दिखा देता हूँ कैसा कुछ मिलता है हमें, पिकल अंदर से कैसी है। अचार वैसे मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ नॉर्मली, तो मैं इसका प्रयोग नहीं करने वाला, लेकिन वैसे बगैर अचार किसका कोई मज़ा भी नहीं है, फिर फीका फीका लगेगा, तो उसका यूज़ करने के लिए हम मजबूर हैं। ठीक है भाई, ये देख लो ऐसा कुछ अचार है, मिक्स वेज पिकल है। ठीक है, साइड में रख लेता हूँ यहीं पर, एक छोटा सा टुकड़ा लिया मैंने, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी मठरी नहीं खाई हल्दीराम की, तो ये भाई अचार काफ़ी कम है मेरे हिसाब से, तो अब आगे आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं इसे। अच्छा टेस्ट है अचार के साथ,
मैं वैसे पहले कभी अचार नहीं खाता नॉर्मली, लेकिन सही लग रहा है ये। ट्राई करना कैसी लगी आपको भी कमेंट करके बताना कैसी लगती है। और अगर पहले ट्राई करी तो बताओ, पहले अगर कभी नहीं ट्राई करी तो भी बताना कि कैसी लगी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे देखो, मैंने चारों चार रख लिया इसके ऊपर, एक बार और ट्राई करता हूँ ठीक है। अच्छा टेस्ट है ठीक है, आप भी ट्राई करना। हमें ज़रूर अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए ज़िंदगी में ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग ऐसे हमेशा खुश रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना क्योंकि उनको पता लगना चाहिए कि किसी का टेस्ट कैसा है, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। दोस्तों धन्यवाद आपका देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगली वीडियो का इंतजार करना, जल्दी आएगी। बाय बाय दोस्तों, अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप रॉकिंग, बाय।